बच्चों नमस्ते। बच्चों, अभी तक आपने पाठ 23 गुरु और चेला में ये जाना कि गुरु और चेला दोनों एक नगर में घूमने जाते हैं, जहाँ का राजा मूर्ख रहता है और उस नगर में हर वस्तु टके सिर बिकता था। और ये जानने के बाद गुरु ने उस नगर में ना रहने का फैसला कर लिया, लेकिन चेले ने उनकी बात नहीं मानी। हार कर गुरु चेले को उस नगर में छोड़कर चला जाता है। चेला एक दिन भ्रमण के लिए निकलता है, घूमने के लिए, और देखता है कि उस शहर में हर वस्तु, हर सामान टके से बिक रहा होता है, मतलब हर सामान एक टके में, समान भाव में। वह बहुत मज़े से वहाँ मिठाइयाँ खाता है। उस दौरान उस नगर में बहुत बारिश होती है और उस नगर की दीवार गिर जाती है। राजा दीवार गिरने के जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए एक एक करके बुलाता है और सब लोग अपनी गलतियां दूसरे पर डालते रहते हैं। तो बच्चों, अब आगे क्या हुआ पढ़ते हैं भाग 2 पाठ 23 गुरु और चेला में। तो बच्चों, इसके पहले जो हमने कविता पढ़ाई थी उसमें राजा ने मशक वाले को बुलाया था और मशक वाले ने क्या कहा था, कहा था कि ये गलती मेरी नहीं है, गलती तो मंत्री की है। तो बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं कविता और जानते हैं कि मंत्री ने क्या कहा और मशक वाले ने क्या कहा। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी ये गलती बीरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दानादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बकबक मचाओ। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा न ही चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच कर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो बच्चों, अब मैं आपको इस कविता का अर्थ बताती हूँ। आपको कविता तो पसंद आई होगी, है ना? बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी,
ये गलती ना मेरी, ये गलती वीरानी। बच्चों, भिश्ती के कहने पर मशक वाले को बुलाया गया। भिश्ती का अर्थ मैंने बताया था ना पिछली कक्षा में, भिश्ती का अर्थ होता है मशक पर पानी देने वाला व्यक्ति, और मशक क्या होता है, चमड़ी का एक थैला होता है। तो भिश्ती के कहने पर मशक वाले को बुलाया गया और उसने कहा कि दीवार गिरने में मेरी कोई गलती नहीं है, मंत्री ने बड़ा चमड़ा मुझे दिलवाया था, मैंने ईमानदारी से बड़ा मशक बना लिया और जिसमें ज़्यादा पानी भरता है, इसीलिए गलती मेरी नहीं बल्कि मंत्री की है महाराज। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो बच्चों, राजा को जैसे ही पता लगा कि दीवार मंत्री के कारण गिरी है तो उसने मंत्री को हाजिर होने का आदेश दिया और मंत्री आ गया। अब मंत्री को फांसी में चढ़ा देने का फरमान राजा ने सुना दिया। जल्लाद तुरंत मंत्री को लेकर फांसी पर चढ़ाने ले गया, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। बच्चों, मंत्री इतना दुबला पतला था कि उसकी गर्दन इतनी पतली थी कि फांसी के फंदे में आ नहीं रही थी। तो मूर्ख राजा ने उसकी जगह किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़कर लाने को कहा ताकि उसे फांसी पर चढ़ाया जा सके। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दानादन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब बच्चों, राजा के कहने पर संतरी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। तभी उन्होंने देखा कि चेला जो था वो हलवा खा रहा था एक दुकान में बैठकर। संतरी ने उसे कहा कि आपको महाराज ने न्योता भेजा है, इसी क्षण यानी तुरंत आप हमारे साथ चलो। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। अब बच्चों, चेला संतरी की बात सुनकर मनी मन बहुत खुश हो गया, ये सोचकर कि राजा के दरबार में खूब छक्कर खाएगा। लेकिन दरबार आकर देखा तो वहाँ एक नई मुसीबत खड़ी हुई थी। वहाँ लोगों की अजीब भाव मुद्रा में भीड़ लगी हुई थी। ये मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुपना बकबक मचाओ। बच्चों, मोटी गर्दन वाले चेला को देखकर राजा ने तुरंत उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। चेला ने राजा से पूछा कि मेरी गलती तो बताओ, तब राजा ने क्या कहा, चुप रहो, बिल्कुल बकबक मत करो। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। चेला बहुत चालाक था, उसने वहीं पर एक झमेला खड़ा कर दिया, मुसीबत खड़ी कर दी। कहा कि मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले मेरे गुरु के दर्शन करवा दो, फिर बाद में मुझे फांसी पर चढ़ा देना। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। अब चेला के कहने पर गुरुजी को खोज कर बुलाया गया। उन्होंने चेला को रोते हुए देखा तो अपने पास बुलाया और चेला के कान में गुरु ने कुछ मंत्र गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। बच्चों, अब उसके बाद गुरु और चेला दोनों आपस में लड़ने लगे, दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगे। गुरु कहते थे मैं फांसी पर चढ़ूंगा और चेला कहता था कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। अब फांसी पर चढ़ने के लिए गुरु और चेला दोनों में भिड़ंत हो गई, लड़ाई हो गई,
और दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लग गए। तब राजा ने पूछा कि आखिर बात क्या है। इस पर गुरु ने बताया कि यह फांसी पर चढ़ने का शुभ मुहूर्त है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है, ऐसी ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। अब फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ मुहूर्त का राजा को जैसे ही पता लगा तो वह राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजा बनेगा और पूरे संसार का छत्र उस पर तनेगा, यानी उसके सिर पर ताज चढ़ेगा। तो यह जानने के बाद राजा ने क्या कहा? कहा राजा ने, बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। अब जब राजा को गुरुजी से पता चला कि इस शुभ मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो उसने कहा कि अगर गुरु की बात सच होती है तो फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेरे नगरी था अनबूझ राजा। तो बच्चों, राजा फांसी पर चढ़ जाता है और पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ जाती है, खुश हो जाते हैं सब लोग। मूर्ख राजा के मरते ही घर घर में बधाई का बाजा बजने लगता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता और कहानी? अच्छी लगी ना? तो बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? बिल्कुल सही, हमें हमेशा मूर्ख व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये भी हमने जाना कि गुरु कभी भी अपने शिष्य को विपत्ति में नहीं देख सकते हैं, वे उन्हें विपत्ति से बाहर निकाल ही लेते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर क्यों खुश हुई? बताओ बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश इसलिए हुई क्योंकि वहां का राजा निरामूर्ख था। उसके कारण वहां की शासन व्यवस्था, व्यापार, न्याय व्यवस्था और दंड देने का तरीका सब कुछ गलत था। वहां किसी और की सजा कोई और भुगतता था। बच्चों, अगला प्रश्न है, गुरु जी ने चेले के कान में कौन सी बात कही? बताओ। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बच्चों, गुरु जी ने कहा था कि जो इस मुहूर्त में फांसी चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। बच्चों, अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखो। और शब्द है मोटा, अंधेरा, रात, सूखा, आगे। अब इन शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। तो क्या होगा विलोम? मोटा का विलोम होगा पतला, अंधेरा का उजाला, रात का दिन, सूखा का गीला, आगे का पीछे। बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द छांटकर लिखो। शब्द हैं आगमन, संभावना, अज्ञात, अतिथि, उपकरण और विराट। तो अब इन शब्दों के हम उपसर्ग छांटेंगे, अलग करेंगे, और मूल शब्द अलग करेंगे। तो आगमन का उपसर्ग क्या होगा? आ, और मूल शब्द गमन। इसी प्रकार संभावना का उपसर्ग क्या होगा बच्चों? सम, और मूल शब्द भावना। अज्ञात का उपसर्ग होगा अ, और मूल शब्द होगा ज्ञात। अतिथि का उपसर्ग होगा अ, और मूल शब्द तिथि। अगला शब्द है बच्चों उपकरण, इसका उपसर्ग होगा उप, और मूल शब्द करण। विराट शब्द का उपसर्ग होगा वी, और मूल शब्द होगा राट। अगला प्रश्न है बच्चों, चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए खाली स्थान में भरो। शब्द हैं पटापट, चकाचक, फटाफट और झकाझक। अब हम वाक्य पढ़ते हैं। पहला वाक्य है,
आंधी के कारण पेड़ से खाली स्थान फल गिर रहे थे। तो इसमें क्या होगा बच्चों, कौन सा शब्द आएगा? आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे थे। अगला वाक्य है, हंसा अपना काम खाली स्थान कर लेती है। तो इसमें कौन सा शब्द आएगा? हंसा अपना काम फटाफट कर लेती है। अगला वाक्य है बच्चों, आज रहमान ने खाली स्थान सफेद कुर्ता बनवाया है। इसमें कौन सा शब्द आएगा? झकाझक। आज रहमान ने झकाझक सफेद कुर्ता बनवाया है। अगला है, सारे बर्तन धुलकर खाली स्थान हो गए। तो इसका क्या होगा? सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए। तो बच्चों अब मैं आपको गृह कार्य देती हूं। पहला प्रश्न है, गुरु और चेला पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखो। अगला है, गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में अपने विचार 5 वाक्यों में लिखो। अगला प्रश्न है बच्चों, पुराने सिक्कों के बारे में आप सब क्या जानते हैं? अपने बड़ों से पूछकर सिक्कों के बारे में लिखो। तो बच्चों आज यहीं तक, धन्यवाद।